अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे बनाने जा रही हूँ दूसरी वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है मेकअप वीडियो। मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तानी लोकल ब्रांड का मेकअप यूज़ करके एक लुक शेयर करूँगी। आज हम सारे वो ब्रांड्स यूज़ करेंगे जो पाकिस्तानी हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में ब्रांडेड मेकअप का भी दिखाऊंगी, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं आज कंटेंट लेकर आती हूँ जिसमें हम पाकिस्तानी मेकअप यूज़ करेंगे और उससे एक लुक करेंगे। पाकिस्तानी मेकअप सारे एज कम्पेयर टू ब्रांडेड मेकअप्स कम हैं उसके रेट्स। तो पाकिस्तानी मेकअप जो होता है लोकल मेकअप, वो हमारी रेंज में आ जाता है और उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं पर्सनली भी पाकिस्तानी मेकअप मैंने बहुत यूज़ किया है लोकल मेकअप। पाकिस्तान में भी ब्रांड्स होते हैं स्वीट टच ये वो, लेकिन कुछ बहुत लोकल मेकअप मिलता है। अगर आप किसी शॉप में जाओ तो वो आपको बहुत सा लोकल मेकअप दिखाते हैं, लेकिन जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, जो हम इतना पैसा लगा के ब्रांडेड मेकअप लेते हैं उस जैसा ही होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लोकल मेकअप से एक मेकअप लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहले हमारे पास लोकल मेकअप में चीज़ है वो है ये प्राइमर। ये मुझे एक तारीपुर पे किसी शॉप से लोकल मिला था प्राइमर, तो अब हम ये यूज़ करते हैं। मैंने इतना यूज़ किया कि खत्म होने लगा, तो हम ये यूज़ करेंगे। हम इसको इधर लगाएंगे जहाँ हमारे पोर्स हैं। ये सारा वो मेकअप है जो लोकल है, आपको बहुत अच्छे रेट्स में और चीप रेट्स में मिल सकता है। हम ये नोज एरिया पे जहाँ पे आपके पोर्स हैं ना, वहाँ लगाएंगे। मैं इतना गर्मियों में इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत पसीना आता है, तो फिर ये होता है कि हमने लगा लिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर प्राइमर को 5 मिनट सेट होने लगते हैं। इसके बाद ये मैंने क्रायलॉन की स्टिक हाफ ली थी, ये भी मुझे लोकली अवेलेबल थी मीना बाजार से मैंने ली थी। तो वो लोग क्वार्टर में हाफ में भी देते हैं, क्योंकि फुल अगर आपको ना लेना हो तो ये मैंने क्वार्टर में ली थी। ये है ऑरेंज स्टिक, इससे हम अपने अंडर आइज या जो भी हमारे ब्लैक एरियाज हैं उसको कवर करेंगे। तो इसको मैं अपने फिंगर से ही लेके अपनी अंडर आइज पे लगाती हूँ, क्योंकि जब हम इसके ऊपर कंसीलर अगर मैं डायरेक्ट लगाती हूँ तो मेरा ये हिस्सा वाइटिश और ब्लैक वो हो जाता है, ग्रे पड़ जाता है। इसीलिए मैं पहले कलर करेक्टर लगाती हूँ। कलर करेक्टर से ये होता है कि आपके डार्क एरियाज कवर हो जाते हैं। थोड़ा सा नोज एरिया पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अक्सर ब्लैकिश होती है जगह, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसके बाद ये लगाने के बाद अब मेरे पास जो लोकली पाकिस्तानी ब्रांड मेकअप का फाउंडेशन है वो है ग्लैमरस का। ये पाकिस्तानी ब्रांड है ग्लैमरस और ये बहुत अच्छा है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। मैंने बहुत टाइम ये यूज़ किया है, तो अगर किसी को रीजनेबल रेट्स में चाहिए तो वो ये वाला ग्लैमरस का ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी ले। इसके अब हम एक दो पंप लेंगे और इसको हम पॉइंट्स लगा के अपनी स्किन पे। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे अपनी स्किन पे। अभी हम आईज पे ही कुछ करेंगे, बिना आईज पे कंसीलर यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसको अपनी बाकी स्किन पे लगाएंगे। जितना कम मेकअप होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। ये लोकली जो है ये बहुत अच्छा है, मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि जो बहुत रीज़नेबल रेट्स में लेना चाहते हैं वो ये ज़रूर लें। मुझे इसकी कवरेज बहुत अच्छी लगती है, सस्ता भी और अच्छा भी। पाकिस्तानी हमारे ब्रांड्स ऐसा नहीं है कि अच्छी कवरेज या वो रिज़ल्ट देते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो अच्छे अच्छे और आ गए, लेकिन जो और भी बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी हैं वो थोड़े से महंगे हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी जैसे बहुत ज़्यादा भी अफोर्ड नहीं कर सकता या चाहिए अच्छी कवरेज, तो मैं ग्लैमरस का ज़रूर कमेंट करूँगा। इसके बाद हम आइस के कंसील करने के लिए ये मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ करेंगे। मिस रोज़ का कंसीलर इज़ बेस्ट, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग सब लोग मतलब इसकी कवरेज बॉर्डर कवरेज। इसको हम यूज करके थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। ये आपके डार्क सर्कल्स ब्लैक एरियाज को ऐसा छुपाता है ना कि आपको खुश हो जाएगा, और बहुत महंगा भी नहीं है, तो इसीलिए अब हम इसको टैप टैप करके ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें ना तो इसको ऐसे फिंगर से भी कर सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली पहले फिंगर से करती हूँ, उसके बाद ब्लेंडर से करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फिंगर से जो ब्लेंडिंग होती है ना, वो ना ब्लेंडर से होती है ना ही ब्रश से होती है। फिर नोज़ पे हम ब्लेंडर से कर लेंगे।
ये देखें आप मेरे डार्क सर्कल्स कैसे छुपे हैं। ओहो बेस्ट कंसीलर है ये मिस रोज का, बेस्ट अंडर बजट और मतलब जादू कर देता है ये। ब्लेंड कर लेना है फिर इसके बाद मेरे पास सेटिंग पाउडर चाहिए तो ये भी मेरे पास ग्लैमरस का, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड जिसका हमने अपनी फेस पाउडर यूज़ किया उसी का मेरे पास ये लूज पाउडर है। हम लूज पाउडर को अपनी अंडर आइज पर लगाएंगे ताकि ये सेट हो जाए। ठीक है ये हमने ले लिया और इसको अपनी अंडर आइज पर लगा दिया। मैं तो थोड़ा थोड़ा वहाँ भी लगा लेती हूँ जहाँ मुझे बहुत पसीना आता है क्योंकि मेरी नाक पे मुझे बहुत आता है, ज़्यादा मुझे मेकअप हट जाता है, ये है कि ये मेकअप लगा के रखता है। ठीक है इसके फिर जो हमारे पास फेस पाउडर है वो मेरे पास है स्वीट टच का, तो ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है तो हम ये वाला फेस पाउडर यूज़ करेंगे। ये अंदर से कुछ ऐसा है दिखने में, ये इसका पफ। ठीक है तो हम इसको अपने उस पर लगा लेंगे फेस पे। बहुत ब्राइट हो रहा है अभी हमने फिर सेटिंग पाउडर छोड़ा हुआ है ताकि ये हमारा अंडर आई सेट हो जाए। ठीक है ये हम एंड में हटाएंगे, ये हो गया। अब हम अपने आईब्रो सेट करेंगे जिसके लिए मेरे पास एक ये पेंसिल है ओ जी आउटडोर गर्ल, ये भी मार्केट में मैं गई थी तो ये मुझे लोकली मिली है, बहुत ही सस्ती ये ब्राउन है आईब्रो के। ठीक है हम इसे अपने आईब्रो सेट करेंगे। मुझे पर्सनली इतना आईब्रो सेट करने का शौक नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी ऑलरेडी उसमें है। शेप में लेकिन फिर भी आईब्रो एक लुक बदल देता है। इसको हम लगा के इसी के साथ इसका एक ब्रश आता है उसे सेट कर लेंगे। देखें कितना चेंज हो गया ब्राउन। कभी भी आईब्रोज पे डायरेक्ट आप लोग ब्लैक नहीं लगाएगा क्योंकि फिर वो बहुत ब्लैक ब्लैक ऐसा फील होता है। ठीक है अब हम इसको जो मेरा लूज पाउडर है उसको सेट कर लेंगे एक ब्रश से। ठीक है देखिए आई शेडो पैलेट है ये भी मार्केट में लोकली अवेलेबल है और ये महंगी भी नहीं है, ये लोकल है, ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है ना आपको, ये इसके कवर में है। ठीक है ये ऐसे निकलेगी। अगर इन सब पे आप लोगों को डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और ये ऐसे होती है ये बिल्कुल भी अवेलेबल है तो हम इससे अपनी आईज क्रिएट करेंगे। हम इसमें से लेंगे ये वाला कलर ब्राउन। ठीक है ये थोड़ा सा इसमें लाइट नज़र आ रहा है बट ये ब्राउन है जो मीडियम ब्राउन होता है ना। उसमें अब हम अपनी क्रीज बनाएंगे कट। थोड़ा सा डार्क ब्राउन लेके यहाँ पे साइड में इस तरह से करेंगे क्योंकि मैं अभी आप लोगों को एक ब्राउन के साथ गोल्डन का वो आई वाला लुक दूंगी। ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे बीच में लगाएंगे थोड़ा सा कंसीलर और इसको हाथ से ब्लेंड करेंगे। आप आँख खोल के यूं कर लें तो आपके ऊपर निशान बन जाएगा कि कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है ये हो गया। अब हम इस पर लगाएंगे इसमें से एक गोल्डन शेप। ठीक है हम लगाते हैं ये वाला। ठीक है इसको फिंगर से लेके हमने अपने गोल्डन शेप लगा लिया। ठीक है ये सारा मैं आपको पाकिस्तानी ब्रांड से दिखा रही हूँ, कुछ पाकिस्तानी ब्रांड वो भी है लेकिन जैसे ये सब है ये लोकल है। अब हमने दूसरी आई भी क्रिएट कर लिया एक ये आईज के बाद। अब हम इस पर लाइनर लगाएंगे ये भी पाकिस्तानी ब्रांड का है क्रिस्टीन का। ठीक है और ये जो थोड़ा सा फॉल आउट हुआ है ना अभी मैं इसको साफ आपको रोल करके बताती हूँ। ये क्रिस्टीन का हम लाइनर लगाते हैं, लाइनर मैं देख के नहीं लगा सकती मैं आपको वो लगा के। ठीक है क्योंकि आप देख सकते हो मैंने लाइनर भी लगा लिया है क्रिस्टीन का। अब जो थोड़ा सा नीचे फॉल आउट है ना हम उसको
सही करेंगे। अब ये करने के बाद हमारे पास मस्कारा है मिस रोज़ का, ये भी बहुत क्लासी मस्कारा है, मतलब बहुत अच्छा है, इसकी कवर भी बहुत अच्छी है, तो हम ये यूज़ करते हैं। मस्कारे के बाद अब हम हमारे पास मिस रोज़ का ही काजल है, हम ये यूज़ करेंगे। ये भी पाकिस्तानी है, ठीक है, काजल यूज़ करेंगे। हमारे पास ये है और ये है, ये सब लोकल है, तो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा ये करके, मैं इतना कंट्रोल नहीं करती अभी, जब हम आपको लाइट से मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, तो हम हल्का हल्का कंट्रोल करेंगे। इसके ब्राउन शेड्स हैं, हमेशा कंट्रोल यूं आता है। फिर इसका पिंक मस्कारे और काजल से आपकी आंखें बदल जाती हैं। थोड़ा सा हमने ये यूज़ किया और थोड़ा सा ये भी लुक करना है, यूज़ करेंगे। लाइटर है लुक करने ये वाला अवेलेबल है डायमंड का, ठीक है, तो हम इसको लेकर इस ब्रश से गोल्डन वाला अपनी नोज़ पे लगाएंगे। वैसे इसकी कवरेज भी अच्छी है, ये तो बहुत लोकली अवेलेबल है, या आप किसी भी शॉप पे जाओगे ये होगा और बहुत ही सस्ते रेट्स में होगा। तो अगर इसके बाद फॉर लिपस्टिक, मेरे पास ये लिपस्टिक मौजूद है मेडोरा की, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है, तो हमने लोगों को ये कैसा लगा पाकिस्तानी ब्रांड्स और कुछ लोकल ब्रांड्स के साथ, कि आप लोग मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कोई भी आप लोगों को एडवाइस देनी हो या कोई भी कुछ हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।